त्योहारों के मौके पर हम सोचते हैं कुछ अच्छा नया बनाएं, इसलिए राखी आ रही है और हम उसके लिए दही गुंजिया स्पेशल बनाएंगे। अब हमारी दाल अच्छे से फूल गई है, ये देखिए बिल्कुल नाखून से टूट रही है। अब दाल को हम मिक्सर में डाल के पीस लेंगे, इसमें पानी नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें इसका थिक पेस्ट बनाना है। अब ये हमारी दाल पिस गई है, हम इसको बॉल में निकाल लेंगे और 2 घंटा रेस्ट के लिए रख देंगे। दही गुंजिया बनाने के लिए अब हम इसकी फिलिंग बनाएंगे, उसके लिए हमने ये एक बॉल ले लिया है, इसमें हम 4 चम्मच नारियल का बुरादा डालेंगे, 1.5 इंच कटा हुआ अदरक डालेंगे, 2 हरी मिर्च कटी हुई डालेंगे, 1 चम्मच चिरौंजी डालेंगे, चिरौंजी का टेस्ट बहुत अच्छा रहता है, और 1.5 चम्मच हम उसमें किशमिश डालेंगे। उनको मिक्स करके ये फिलिंग तैयार करके अब हम इसे गुंजिया में भरेंगे। अब हमने गैस ऑन करके उस पर तेल रख दिया है गर्म होने के लिए, और हम दाल को थोड़ा फेंट लेंगे। दाल हमारी तैयार है, इसको हम फेंट लेंगे। ये देखिए थोड़ी सॉफ्ट और दाल एकदम हल्की हो गई है। ये हमारा दाल का पेस्ट अब बिल्कुल तैयार है गुंजिया बनाने के लिए। अच्छी स्मूथ हो गई है और कड़क भी है, जितनी हमको गाढ़ी चाहिए उतनी है ये। अब हम गुंजिया बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए हमको सबसे पहले एक साफ कपड़ा लगेगा, जिसको हम गीला करके, इस बात का ध्यान रखें कि हाथ गीला रहेगा और गुंजिया गीले ही हाथ से बनेगी। इस रुमाल को हम ऐसे हथेली पे ले लेंगे और पानी अच्छे से लगा लेंगे और उंगलियां थोड़ा चौड़ी रखेंगे, और दूसरे हाथ से हम इसको लेके ऐसे करके ना फिर हम हाथ पे रखेंगे। अब हम पानी का हाथ लगा के इसको थोड़ा गोल गोल बढ़ाएंगे, और फिर इसमें थोड़ा 1 चम्मच ये स्टफिंग भरेंगे। अब ये स्टफिंग इसमें भरी गई। अब हम ये रुमाल के कोनों को ऐसे लेके मिक्स आपस में इसको जोड़ देंगे। ये बिल्कुल अच्छे से बंध गई है एकदम, और उतर भी आसानी से एकदम गई है। ऐसे हम बाकी सभी गुंजिया जो है एक एक करके बना लेंगे। वैसे बहुत आसान है, खाली थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ऐसे ही करके हम सारी गुंजिया एक साथ थोड़ी थोड़ी करके उतार लेंगे। ये सभी अब हो गई हैं, हम एक एक करके इनको उतार लेंगे। अब हमने ये एक बर्तन में पानी ले लिया है, और इसमें हम 2 चम्मच नमक डालेंगे क्योंकि हमने दाल में नमक नहीं डाला है। और इसको हम मिला देंगे, और जो हमने दही गुंजिया बनाई हैं वो हम सब इसमें डाल देंगे। कम से कम 1 घंटा हम इनको रखेंगे ताकि ये पानी में अच्छी तरह भीग जाएं और नमक पी लें। अब ये हमारी गुंजिया तैयार है, 1 घंटा भीग चुकी है। अब हम इसको हाथ से दबा के
इसका सब पानी निकाल देंगे और हम इसको बॉल में रखेंगे। इसी तरह हम दूसरी गुंजिया लेंगे, उसको भी पूरा निचोड़ देंगे और फिर दूसरे बॉल में रखेंगे। फिर हम तीसरी गुंजिया लेंगे और उसको भी अच्छे से दबा के अब हम इसको बॉल में रख लेंगे। अब हम इस गुंजिया को बीच में से ऐसे फोड़ देंगे जिससे दही सॉल्ट जो हम डालेंगे वो इसके बीच में चला जाए। सबको ही बीच में से ऐसा तोड़ लेंगे थोड़ा, जिससे जो मसाला हमने अंदर भरा हुआ है उसमें भी चटनी और नमक अच्छे से लग जाए। अब हम सबसे पहले इस पर दही डालेंगे। ये दही हमने फेंट लिया है, बहुत पतला नहीं होना चाहिए, बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें अच्छे से दही डालेंगे जो इसके अंदर तक जाए और ये भीग जाए, किसी भी तरह से सूखी नहीं लगे खाने में। इसमें दही सॉल्ट जितना अच्छे से डालेंगे उतना टेस्ट इसका अच्छा होगा। अब हम इसके बाद मसाले डालेंगे इस पर। सबसे पहले हम इस पर नमक डालेंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम इस पर थोड़ा काला नमक डालेंगे। काला नमक खुशबू देने के लिए डालेंगे। अब हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे, अच्छा चटपटा और खट्टा मीठा टेस्ट आएगा इसका। उसके बाद हम इस पर भुना हुआ जीरा डालेंगे अच्छी तरह। भुने हुए जीरे की खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब ये खजूर की चटनी है, इसको हम ऊपर से इस पर अच्छे से डालेंगे। ये मीठी होती है, खट्टी मीठी होती है, इसलिए इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। ये अच्छी ज़्यादा डलती है चारों तरफ से, जब भी बहुत अच्छी लगती है। अब इसमें थोड़ा सा हम भुना हुआ जीरा और डाल देंगे, बहुत थोड़ा थोड़ा सा। अब और अब इस पर हम हरा धनिया डालेंगे। ये दही गुंजिया खाने के लिए तैयार है। आप खाकर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कैसी लगी।